नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जी कल है अनंत पूजा और हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट। अनंत पूजा को लेकर के जो भी चीज की जरूरतें हैं वो तो जिया को ही मालूम है। हम तो नहीं किए शॉपिंग, ऐसा को छोटा भाई रहता था वही करता था, तो इस बार हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आप चलते हैं जी? आप कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है, तुम ही कर रही है तो चलो ना, कोई बात नहीं। और जिया जो है अपना को सूट सब भी दी हुई थी एक जगह सिलवाने के लिए। सूट दिए हुए हैं और मुझे अपना आईब्रो भी बनवाना है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत बढ़िया, तो जी चलते हैं, जो भी इसका काम है करवा देते हैं। यहाँ आए हुए हैं एक चाय की दुकान में, तो वो तो चाय बेचते हैं, लेकिन जिया कह रही थी इसको मिट्टी वाला कूलर लेना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बेचते तो नहीं है लेकिन आप ले लीजिए। तो यही चाय वाला कूलर ले रही है जिया। तंदूरी चाय बनाती हूँ। हाँ जी, ये तंदूरी चाय बनाती है और कभी होगा तो इसकी रेसिपी भी डाल देंगे। बहुत अच्छा लगता है। दिखा दो एक बार उनको। हाँ, उनको जस्ट दिखा दो। तब अंकल जी आप यूट्यूब चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, ये वीडियो वही यूट्यूब पर डलता है। अंकल सोच रहे गंजी में डाल रहे। गंजी में डाल रहे? नहीं जी, आप वैसे ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, देख लीजिएगा आप। जैसा कि आपने देखा जिया यहाँ कूलर ले रही थी, हम जा रहे थे टेलर के पास और बीच में ये चाय का दुकान देख लिया, तो जिया वहाँ गाड़ी रुकवा ली और उनसे कूलर खरीद ली। तो जब कूलर ले लिए फिर हम लोग निकल गए आंटी जी के पास सूट देने के लिए। फिर जी जिया पहुँच गई आंटी जी के पास, और जब आंटी जी के पास पहुँची देखिए इन दोनों के बीच बातचीत कुछ चल रही है। क्या बातचीत चल रही थी? वो आंटी हमको देख करके बोल रही थी क्या कि हमको लगता था सबसे ज्यादा हम पतली है, लेकिन तुमको जब देखे ना तो लगता है बाप रे कितनी ज्यादा तुम पतली हो, जहाँ जाती हूँ मैं बेइज्जती हो ही जाता है थोड़ा। तो खाया पिया करो ढंग से। बहुत बढ़िया। ये थी हमारी साली साहब, उनको अंदर जाने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, यही मोबाइल लेकर के चला गया, इसलिए इन्हीं के घर के बगल में टेलर है। तो अभी जो आप शूटिंग देखे हैं कुछ देर पहले वो यही कर रहे थे। जी अभी भी अंदर में है, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आएगी फिर निकलेंगे मार्केट। हम लोग को एक एक महीना पहले देना पड़ता है तीज वगैरह में। अच्छा, एक एक महीना पहले आकर के देना पड़ता है तब हम लोग का काम होता है। इतना डिमांड है? इतना डिमांड है, मोहल्ला में पूरा बढ़िया काम करती है ना। और ये देखिए जी पीछे का नज़ारा, यहाँ पर हम लगता है शायद 5-6 साल पहले आए थे। पहले बिल्डिंग वगैरह कुछ पूरा कुछ बिल्डिंग नहीं था, पूरा खाली था, एकदम लग रहा था जंगल और खेत यही सब था इस साइड, और अब कितना मकान बन गया है। मेरी शहर में ज्यादा नज़ारा तो दिखाने को मिलता है नहीं, तो सोचा चलिए यही नज़ारा दिखा देता हूँ, इसी नज़ारे को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आजकल तो जी खाली प्लॉट तो देखने को मिलता ही नहीं, खाली जमीन सब। पहले जहाँ जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे अब देख रहे हर जगह कोई ना कोई बिल्डिंग बन चुका है। हो गया काम तुम्हारा? हो गया। कितना देर वेट कराई है, अब चलो निकल भी लो। फिर जैसे ही वहाँ से निकलने लगे जिया कहती है नहीं रुक जाओ, यहाँ पर कुछ फोटो भी खिंचवा लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए। और जी जब वहाँ खींचना स्टार्ट किए तो इतना देर हमको इंतजार करवाई, ये पोज वो पोज। आप कम पोज दे रहे थे क्या? अब तुम दे रही थी तो हम भी सोचे थोड़ा बहुत हम भी खिंचवा लेते हैं। तो जी आपने जो इंस्टाग्राम पर फोटो देखा होगा वो यहीं का फोटो था। फिर हम लोग निकल लिए मार्केट की तरफ, और जब मार्केट की तरफ जा रहे थे पुल पर इतना जाम था जी, फिर क्या कि उस पुल से जो पहले एक पुल बना हुआ था जो अब यूज में नहीं है उधर से ही झटपट निकाल लिए गाड़ी। फिर जी हम लोग पहुंच गए मार्केट और यहाँ पतिदेव मिठाई ले रहे हैं जी। इस दुकान का जो है ना मिठाई बहुत पॉपुलर है, और यहाँ का जो समोसा है वो भी बहुत पॉपुलर है, और लगभग हम लोग आते रहते थे यहाँ पर खाने के लिए, छुप छुप के भी आते रहते हैं, हमको बताएंगे भी नहीं और अपना खा के यहाँ से चले जाएंगे। उधर पतिदेव मिठाई ले रहे थे, इधर हम खीरा ले रहे थे। और ये जो भाई साहब है ये मेरी तरफ घूर के देख रहे थे कि आखिर कर क्या रहा है आखिर ये जी। तब बाद में उनको बताया कि जी हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं इसीलिए शूट कर रहे हैं, तब वो अपने हंसने लगे, कहे कि नाम किया है और चैनल का नाम बता दिया, सब्सक्राइबर बढ़ा लिया।
डेली खीरा। और क्या लेना है? फिर जी खीरा लेने के बाद निकल गए फल लेने के लिए। और जब फल लेने जा रहे थे, बीच में ही ये अनंत बिक रहा था। और अनंत चतुर्दशी में जी, अनंत के बिना तो फिर पूजा कैसी होगी। तो जी हमने अनंत ले लिया, और अनंत लेकर के फिर बाकी फल लेने के लिए निकल गए। और यहाँ जो है जी अकेला ले रही है, तो ये आखिरी मार्केट की आखिरी शॉपिंग। रेट तो आज रहेगा ही, पर्व का टाइम है। वहाँ का सेब में यहाँ का सेब में फर्क होगा। हाँ वही बोले, वहाँ सेब लिए ना बहुत छोटा छोटा पीस का। अच्छा प्लस बात क्या है मालूम है? आपका पन्नी चीज कर रहे हैं। अच्छा 120 रुपए प्लस बात। एक केजी लीजिएगा ना, एक किलो 500-600 से बेसी नहीं उतरेगा। दो केजी लीजिएगा तो। अच्छा वहाँ इतना फेरा है, एक से एक फेरा है वहाँ। तो भैया यूट्यूब देखते हैं? YouTube देखते हैं, YouTube हल्का फुल्का तो देखते हैं, तो उसी में ये वीडियो डालेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। जी हमारी अनंत चतुर्दशी की जितनी भी शॉपिंग थी हो गई। जिया का जो टेलर वाला काम था सारा हो गया, सारा हो गया। और अब यहाँ से घर चलते हैं, और कल अनंत चतुर्दशी को लेकर के काफी एक्साइटेड है। देखते हैं वहाँ क्या होता है। प्रसाद का तो बहुत इंतजार रहता है। कोई भी हर पर्व में इनको प्रसाद का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। बिल्कुल जी, पर्व मतलब एक भक्ति तो होता ही है, साथ में वो जो मिठास होता है पर्व में, वो मिठास का जरूरत है। तो चलते हैं जी घर। फिर जी वहाँ से निकल लिए हम लोग घर। और जब घर निकल रहे थे काफ़ी अंधेरा हो चुका था। फिर हम लोग घर पहुँचे और अगले दिन पूजा की जो भी तैयारी थी करने लगे, और इंतजार करने लगे अगले दिन का। The next day. क्या बोल रही है? ये वाला साड़ी पहन ली या वो वाला पिंक वाला पहन? ऐसा ऐसा टफ क्वेश्चन हमसे क्यों पूछती है? जो पहनना है पहन लो। पहना तो आपके लिए है। तो पहनना मेरे लिए क्या है, अपने लिए पहन रही है। पहन लो कोई भी। ये पहन ली, हल्का सा लग रहा है। हाँ अच्छा है, पहन लो। A few moments later. नमस्कार जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और मैं नहा धो करके यहाँ पर मंदिर आया था। चूंकि हमारे घर में अनंत पूजा होती नहीं है, इसकी पूजा मंदिर में होती है, तो जी हम निकल लिए मंदिर। और मंदिर जब गए तो सोचे थे कि पूरा आपको दिखाएंगे इसकी विधि, जो भी इसका पाठ होता है। लेकिन जी किसी कारणवश हम शूट नहीं कर पाए, क्षमा उसके लिए। तो जी जितना हो सका वो शूट कर लिया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जी पूजा के बाद देख रहे होंगे पंडित जी, ये जो एक लड़का है इसके हाथ में अनंत बांध रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही पूजा संपन्न होता है तो वो जो अनंत जो चढ़ाया जाता है उस अनंत को हम अपने हाथ में बांधते हैं। और जी जैसे ही पूजा संपन्न हुई, फिर मुझे जिया को लेने जाना था, जिया को भी मंदिर आना था पूजा करने के लिए। तो जी हम फिर निकल लिए घर की तरफ, और जिया हो गई है तैयार, और अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर। फिर जी जिया को हम लेकर के निकल गए मंदिर की तरफ। और जी इस मंदिर को तो हमने व्लॉग में कई बार मेंशन किया है। जी बात ही यह है, घर में कोई भी पूजा होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे हमें कभी मार्केट भी आना हो, तो भी हम इस मंदिर में आ जाते हैं। और जी जब भी इस मंदिर में आते हैं काफ़ी सुकून मिलता है। अभी हम पहुँचे हुए हैं मंदिर, और मंदिर आए हुए थे पूजा करने के लिए, लेकिन गेट बंद है। तो हम लोग बाहर से ही माता जी को प्रणाम कर लिए, और कुछ देर से हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है मंदिर में बैठना। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको मंदिर आना ही है, जो एक प्रसाद चढ़ाना होता है उसके लिए आना होता है। वो तो सुबह ही हम 9 बजे के करीब चढ़ा चुके हैं, लेकिन जिया कहे कि नहीं मंदिर जाना है एक बार, तो कहे कि चलो क्या दिक्कत है। मंदिर जाने के लिए कोई दिन थोड़े देखना पड़ता है। सही बात। और यहाँ पे हम लोगों ने एक विश मांगा था, वो हमारी विश पूरी हो गई। तो मेरे मन में ये भी था कि हम एक बार जाएं माता जी का दर्शन करें। बिल्कुल जी, जो हमने विश मांगा था वो पूरा कर दिया, और कहे थे कि जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर आएंगे मंदिर। हाँ। तो एक तरह से वह भी रीजन था यहाँ वापस आने का। और फिर कुछ विश मांगे हैं, देखिए ऊपर भोले शंकर दिख रहे हैं। तो फिर से कुछ विश मांगे हैं, देखिए अगर वो पूरा होगा तो फिर आते रहेंगे यहाँ पर। तो अब चलते हैं जी घर, बहुत तेज भूख लगी है। A few moments later. अब हम पहुँच चुके हैं घर, और अब जो है मूंग दाल कचौड़ी और खीर का आनंद लेंगे। इसी पल का तो मुझे इंतजार रहता है, जब भी कोई पर्व आता है खाना बड़ा टेस्टी टेस्टी मिलता है, प्रसाद मिलता है खाने को। तो जी अब हम लोग भी मजे लेने चलते हैं। और बता दीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।